हमें अधीर नहीं होना चाहिए, न ही आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें एक दो दिन में प्राप्त हो जाएगा। जहां शहद का अभाव हो, वहां गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। सुबह से पहले एक अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की, उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। साथियों, आपने स्वेच्छा से उस मिशन को स्वीकार किया है जो उतना महान है जिसकी मानव हृदय कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे मिशन की पूर्ति के लिए कोई भी बलिदान बहुत महान नहीं होता, किसी के जीवन का बलिदान भी नहीं। आप आज भारत के राष्ट्रीय सम्मान के संरक्षक और भारत की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसे पेश आओ कि आपके देशवासी आपको आशीर्वाद दे सकें और आप पर गर्व कर सकें। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ कि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन बिल्कुल सत्य है। यदि तुम्हारे पास लोह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है, तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। निसंदेह बचपन और युवा अवस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। मैं जीवन की अनिश्चितताओं से जरा भी नहीं घबराता। मैंने अमूल्य जीवन का इतना समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, यह सोचकर बड़ा ही दुख होता है। कभी कभी यह पीड़ा ऐसा है उठती है, मनुष्य जीवन पाकर भी जीवन का अर्थ समझ नहीं आया। यदि मैं अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाया तो यह जीवन व्यर्थ है, इसकी क्या सार्थकता है। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। मेरे जीवन के अनुभवों में एक ये भी है कि मुझे ये आशा है कि कोई न कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। मैं चाहता हूं चरित्र, ज्ञान और कार्य। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी वह भगवान है, हम नहीं। कर्म के बंधन को तोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। मैंने अपने छोटे से जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ ही गवा दिया है। मां का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है, इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति में सनक होती है वह कभी भी महान नहीं बन सकता, परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है।